Hey guys, it's me Deepli back again with another video. All the cricket lovers, you're going to love this vlog. Aaj hum aaye HPCA stadium ke samne. It is one of the most beautiful stadiums in the world. Aap dekh sakte ho, it is right behind me. You know the best thing about this stadium is iske peeche aap jo dekh rahe ho barfile pahad. Jaate hain. दोस्तों हम लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं. द एंट्री फीस 20 रुपीज. मेरा ग्रुप आ रहा है आराम आराम से. दिस इज हाउ द स्टेडियम लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड राइट ओवर देयर आर द स्नोवी माउंटेन्स. इट इज गोइंग टू बी ऑसम जो व्यू आएगा ना स्टेडियम में से. हालांकि इधर ज़्यादा मैचेस हुई नहीं है, उधर ही हम लोग जाएंगे अभी थोड़े दिनों में. आज ही जा रहे हैं आज रात, पहले स्टेडियम घूम लेते हैं. तो दोस्तों आप लोगों ने ये स्टेडियम बहुत बार आईपीएल के मैचेस में भी देखा रहेगा. किंग्स इलेवन पंजाब की मैचेस इधर होती है. इट इज़ देयर होम ग्राउंड. स्टेडियम के बाहर ही एक छोटा सा कैफेटेरिया है. अब तक हम लोग स्टेडियम में गए नहीं और स्टेडियम हमारे सामने है. एंड सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स. मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है. हाँ, वे टू स्टेडियम. Oh my god, look at the beautiful nazara. We are in. Ah, no matches going on today. Not even practicing. This is what the people are doing. Totally magic. Yeah. So guys, idhar even upar bhi seats hai. This is how the seats are. This is the first time I've been to a stadium. मैंने कभी क्रिकेट की मैचेस देखी ना. Not a big fan. But like guessing the stadium capacity, it is really big. Hey guys, I just met a subscriber. Hi bro, what's your name? My name is Pritam. Hi. Thank you. एक छोटा सा मीटअप ही हो गया इधर. YouTube पे नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों के. जब ये आप व्लॉग देख रहे हो तो पता नहीं कितने लोग होंगे. और मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी इस 23,000 पीपल. मतलब अगर अपनी पूरी अगर फैमिली हैशटैग रंगीन स्क्वाड इस स्टेडियम में आ गया तो ये स्टेडियम भर जाएगा. ऑलमोस्ट 7 times भर जाएगा, ओवरफ्लो कर देगा. तो यस, एवरी सिंगल पर्सन दैट सब्सक्राइब्स दैट वॉचेज द वीडियो इज इम्पॉर्टेंट. आप अपनी स्ट्रेंथ देख ही सकते हो कितनी है. तो दोस्तों अभी हम लोग मैक्लोडगंज में ही है. तापमान हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस. और नीचे उधर मैंने टाइम लैप्स लगाते हुए रख दिया है. उधर पीछे जो पहाड़ है पूरे स्नो क्लैड, उनका भी नज़ारा मैं आपको देता हूँ अभी विद द हेल्प ऑफ माय जूम कैमरा. तो वैसे स्टेडियम तो काफ़ी बड़ा है बट आई गेस दैट एरिया इज़ नॉट एक्सेसिबल. सो आई जस्ट गो उधर. देर इज़ सम शैडो देयर. मैंने कहा टॉलेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है. मैंने पढ़ा था अराउंड 1500 मीटर्स पे ये स्टेडियम. काश मैच चालू होती थोड़ा सा ऐसे क्रिकेट देखने को और मज़ा आता था. यहाँ पे बहुत कम मैचेस होते हैं. हाँ राइट, क्योंकि पूरा ऐसे पहाड़ी एरिया में.
वैसे दोस्तों स्टेडियम के बाहर ही एक छोटा सा फूड ट्रक है, उधर मैंने एक चिकन बर्गर लिया है, लेट्स सी ट्राई करके कैसा है। बहुत भूख लगी अभी, हम लोग पूरे घाट में है तो घाट से जाते हुए टाइम लगता है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन 45 मिनट्स दूर है, बहुत सारे लोग मेरे बस में उल्टी कर रहे हैं तो घाट में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। हम लोग उतर रहे हैं, चढ़ते समय इतना कुछ नहीं लगा, उतरते टाइम बहुत लोग उल्टी कर रहे हैं और पीछे लोग मेरे खा रहे हैं और मैं इधर उल्टी की बातें कर रहा हूँ। मैंने ये वाला लिया, बर्गर टेस्टी तो लगा यार, बट प्रीटी एक्सपेंसिव, लाइक मैकडोनल्ड्स जितना चार्ज कर रहे हो। तो दोस्तों HPCA से हम लोग चले, अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली, तो वो सारे व्लॉग्स देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, डू ऑल दोज गुड स्टफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे देना। आई एम डीप लाइफ, आई मेक व्लॉग्स, आर्ट रिलेटेड कंटेंट, DIY रिलेटेड कंटेंट, फैशन रिलेटेड कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है, तो जाके देखना, मजे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बचा नहीं बचा पता नहीं, अगर मैं नहीं बचा तो ये व्लॉग है ना, मेरे भाई को बोल देना एडिट करने, ये सब मेमोरी कार्ड्स है बैग में।